का आम चुनाव 2023 के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने की ओर से बनाए गए सी विजिल ऐप शिकायतों के समाधान का बेहतरीन जरिया बनाया जा रहा है। ऐप के जरिए प्राप्त शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे में ऐप के जरिए अभी तक 500 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 में यह ऐप खास मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता की लागू होने के महज 48 घंटे में प्रदेश भर से 500 ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने 134 शिकायतों को सही पाया और उनका तय समय सीमा में निस्तारण किया गया। 115 शिकायतें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज की गई, जबकि 6 शिकायतें अभी जांच दलों और रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा निर्णय के लिए लंबित हैं। शेष 242 शिकायतों को जिला नियंत्रण कक्ष की टीम ने अपने स्तर पर खारिज कर दी। गुप्ता ने कहा कि सी विजिलेंस पर आदर्श आचार संहिता की सबसे ज्यादा शिकायतें 79 जयपुर जिले से प्राप्त हुई और सबसे ज्यादा कार्रवाई भी जयपुर जिले के रिटर्निंग ऑफिसर्स ने की। यहाँ 37 शिकायतों का निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से ज्यादातर 100 मिनट की समय सीमा में प्राप्त शिकायतों का समाधान किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर पर्याप्त सबूतों के अभाव में कड़ी कार्रवाई से बच जाते थे। शिकायत के सत्यापन में तस्वीर या वीडियो के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य की कमी थी।